بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم एक मसला ज़हन में रखिए कि सहरी करना बाइस फजीलत है, बाइस अजर व सवाब है, बाइस बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी करने की तरगीब भी दी है, इस पर अजर व सवाब भी सुनाया है। सहरी करना बहुत ही बरकत वाली चीज़ है, लेकिन सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है कि अगर सहरी नहीं करेंगे तो रोज़ा होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई शख्स रात को रोज़े की नियत करके सोता है कि सुबह उठ के सहरी करूँगा, लेकिन उसकी आँख नहीं खुली, उसकी आँख जिस वक़्त खुली सहरी के वक़्त ख़त्म हो चुका था, अजानें हो चुकी थी, तो अब इस आदमी ने सहरी नहीं की लेकिन नियत उसकी रोज़े की है तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अब इसके लिए लाजिम है कि कुछ खाए पिए ना, खाने पीने से रुके। अगर ये समझते हुए कि सहरी करना ज़रूरी है, जिस वक़्त आँख खुली जल्दी से एक घूंट पानी पी लिया या थोड़ा सा खाना भी खा लिया, तो ऐसे शख्स का रोज़ा नहीं होगा। इसके लिए बेहतर ये था कि बस रात से इसकी रोज़े की नीयत थी, लिहाजा सहरी के वक़्त अगर नहीं भी उठ सका तो उसका रोज़ा हो जाएगा। इसके लिए लाजिम था कि अब सुबह से लेके शाम अफ्तारी तक भूखा और प्यासा रहता तो इसका रोज़ा हो जाना था।